बात है, नौजवान इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये तो खुशी की बात है। मैं 21RR का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया और ऐसा एकदम उठाया। आपको एक बात बताऊँ, ये जो 21RR ने या फौज ने यहाँ ये टूर्नामेंट खोला, इससे नौजवान इसमें लग जाएंगे, नशे में नहीं लग जाएंगे, किसी लत दत में नहीं लग जाएंगे। ये मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ फौज का कि ये ऐसे एकदम उठाए। हाँ, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, फुटबॉल भी होना चाहिए, क्रिकेट भी होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनको, 21RR को और अपने नौजवानों को, वो इसमें पार्टिसिपेट करें और शौक और जोक से पार्टिसिपेट करें। मैं इस प्रोग्राम, ये जो हंदवाड़ा 21RR कैंप ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये हंदवाड़ा के लिए खुशी की नहीं बल्कि फ़ख्र की बात है कि इंडियन आर्मी ने हंदवाड़ा के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम इनेकाद किया है जिसकी लोगों को यहाँ बहुत ज़रूरत है और बिलखसूस यूथ इसके लिए बड़ा जोश खरोश का मुजाहरा यहाँ यूथ ने किया। आप देख रहे हैं दूर दूर से लड़के यहाँ आए इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए और यहाँ इंटरटेन हो रहे हैं, और इससे हमें एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा ड्रग्स से दूर जाने के लिए, क्योंकि जब यूथ इन्वॉल्व हो रहा है सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ की ओर और पढ़ाई की तरफ से हो रहा है, दूसरी एक्टिविटीज़ के में इन्वॉल्व हो रहे हैं और खुद ही खुद वो ड्रग्स से दूर भागते जा रहे हैं। भरपूर कोशिश रहेगी कि हम ऐसे प्रोग्राम अपने लेवल पे भी ऑर्गेनाइज करें जिसमें नॉर्थ कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग, हर जगह से लोग आए, तहसील हेड को तहसील से लोग आए यहाँ उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, ताकि यहाँ हम हंदवाड़ा के जो यूथ है बिलखसूस यूथ है उनके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करें, ताकि लोगों को यहाँ बार बार हम यही मैसेज दें कि ड्रग्स को भगाना है और अपने इस सोसाइटी को बचाना है। आपकी बात के साथ मैं सहमत हूँ, लड़कियों के लिए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि उनको भी हम एंगेज रखें और वो ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो जाए। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारी जो 21RR है, जिन्होंने पिछले साल भी, उससे पहले भी, दो तीन सालों से लगातार वो ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद करते हैं, यहाँ पे अपना एक रोल प्ले करते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर ड्यूटीज़, जो को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे करवाते हैं, न सिर्फ हंदवाड़ा मेन टाउन में बल्कि राजवार टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के पेरिफेरीज़ में, जैसे खईपोरा, तर्कपोरा हो या आपका चोगल हो, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने टूर्नामेंट्स करवाए। लेकिन इससे क्या होता है कि जवानों में जो यो जमूद सा तारी हो गया था, या विंटर्स की वजह से जो जमूद सा तारी हो जाता है, एक इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे कि उनकी एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल हो, पॉजिटिव वो इस्तेमाल करें अपनी एनर्जी का। और दूसरा, आपको तो पता ही है कि जब ये हमारा यूथ एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं, ऑब्वियसली ये अपनी एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, मतलब ये बाकी सारे कामों में लग जाते हैं, जैसे ड्रग्स का आपने देखा कि फिर भी अगर परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ पे हमारे एरिया में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि यहाँ पे ड्रग का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे ही जो टूर्नामेंट्स है, बाकी सारे जो इवेंट्स हम करते हैं, हम करते रहे, मेरे ख्याल से एक तो ये है कि हमारे जवानों में एक स्पोर्ट्स स्पिरिट डेवलप हो जाएगा, दूसरा ये कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द 21RR एंड द पीपल ऑफ हंदवाड़ा पर्टिकुलरली, जो कलेबरेट करते हैं फिर फौज के साथ, पुलिस के साथ, बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे।